हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं आलू पालक की सूखी सब्जी, वो भी बिना ऑयल के। ये मेरी फर्स्ट जीरो ऑयल रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिना ऑयल वाले पालक आलू बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम वॉश्ड पालक बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, 4 उबले आलू 4 टुकड़ों में कटे हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च 4 टुकड़ों में कटे हुए, 4-5 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। पहले हम गैस ऑन करेंगे और उस पर कुकिंग पैन चढ़ाएंगे। पैन को गर्म होने देंगे। पैन के गर्म होते ही हम उसमें डालेंगे कटे हुए पालक। पालक को स्पून से अच्छी तरह फैला देंगे। अब हम उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे। याद रखें, यहाँ पे पालक को पकाने के लिए हमें थोड़े नमक की ज़रूरत है और थोड़ा नमक हम बाद में यूज़ करेंगे। ये नमक मिक्स हो चुका है। अब हम पैन को कवर करके 2 से 4 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, अब ये पालक थोड़ा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च और इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे पैन को ढक के। अब ये लहसुन और हरी मिर्च थोड़े पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्स करेंगे। अब पैन में डालें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और उसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे पालक के साथ। ये देखिए, ये अब हमने मिक्स कर दिया है। अब हम पैन को कवर करके फिर से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब ये प्याज और टमाटर थोड़े पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू जो हमने पहले से बॉईल करके रखा है। अब आलू को पालक में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। याद रखें, नमक हमने पालक को पकाते वक्त भी यूज़ किया था। ये नमक मिक्स हो चुका है। अब हम पैन को कवर करके 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि नमक अच्छी तरह सब्जी में मिक्स हो जाए। अब ये हमारी बिना ऑयल वाली आलू और पालक की सब्जी तैयार हो चुकी है। गैस को ऑफ कर दें और इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करके रोटी या पराठे के साथ खाएं। इस रेसिपी को आप अपने वेट लॉस रेसिपी में इंक्लूड करें और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।